विपक्ष ने भी जाकर उड़े नाक आना चाहिए, गाउड ना लिया तो नाक जरूर आना चाहिए ताकि थोड़ी हिम्मत आवे, सरकार के खिलाफ आवाज उठावे। विपक्ष के नेता जिस तरह से सोए पड़े हैं, जिस तरह कबूतरी राणा आंख मीच रहे हैं ताकि जनता की आवाज ठा सके, वे उनमें भी कावड़ लानी चाहिए। मैं तो भूपेंद्र हुड्डा साहब को भी ये कहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, कावड़ लाओ ना तो गंगा जी में जरूर ना गावे ताकि विपक्ष की आवाज ठा सके। कांवड़ यात्रा पर जाने से पहले नवीन जय हिंद एक बार फिर मीडिया से रूबरू हुए हैं और सीएम मनोहर लाल खट्टर पर वार किया है। नवीन जय हिंद हमेशा कुछ ऐसा लग करते हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहें। इस बार वो मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए हरिद्वार से कांवड़ लेने जा रहे हैं और कांवड़ यात्रा का नाम भी मुख्यमंत्री सद्बुद्धि कांवड़ यात्रा रखा गया है। 18 जुलाई को हरिद्वार की हर की पौड़ी से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा 26 जुलाई को पहरावर गांव की विवादित जमीन पर संपन्न होगी, जहां पर जलाभिषेक के साथ परशुराम जयंती की आधारशिला रखी जाएगी। नवीन जय हिंद का कहना है कि ये केवल मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए कांवड़ यात्रा नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा को भी गंगा जी में स्नान करके लोगों की आवाज उठाने की शक्ति लेनी चाहिए। कांवड़ यात्रा लेके आ रहे हैं और हरिद्वार से चल के वो परावर भगवान परशुराम मंदिर जहाँ पे बनना है, तो महाशिवरात्रि के दिन 26 तारीख को परावर उसी ज़मीन पे भगवान परशुराम मंदिर के शिलान्यास किया जाएगा, शुरुआत की जाएगी और वहाँ पे फरसा गाड़ा जाएगा और त्रिशूल, वहीं पे जल चढ़ाया जाएगा। आप सब साथियों को पता होगा कि जो परावर की ज़मीन का मामला था वो अभी तक सरकार, मतलब कमेटी भी बन ली, मंत्रियों की कमेटी भी बन ली, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कागज नहीं आया है, हवा में बातें हैं अभी। तो मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब के पास वो फाइल रखी हुई है, पता नहीं अब वो फाइल कै दिन में 2024 में आओगी, 25 में आओगी, 23 में आओगी, कद आओगी, मतलब कितनी दूर है उनका कैबिनेट मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री की दूरी कितने कई हजार किलोमीटर हैं, लाख किलोमीटर है बेरानी हमने। तो एक कांवड़ यात्रा लेके आ रहे हैं और 18 तारीख को अर्की पैड़ी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसका कांवड़ यात्रा का जो मुख्य मकसद रहेगा वो सरकार को जगाने का काम करेगी ये कांवड़ यात्रा, सरकार को सद्बुद्धि। तो इसका कांवड़ यात्रा का जो नाम है हमने मुख्यमंत्री सद्बुद्धि कांवड़ यात्रा इसका नाम रखा, मुख्यमंत्री को भोलेनाथ शिव शंकर सद्बुद्धि दें ताकि वो जल्दी से जल्दी परावर की जो जमीन है जहाँ पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, वो कोई एक बरादरी के लिए नहीं, 37 बरादरी के लिए बनेगा, वहाँ रोजगार मिलेगा, स्कूल में बालक पढ़ जाएंगे, कॉलेज में बालक पढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल में इलाज होगा, सबका इलाज होगा। मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे शिवशंकर भगवान ताकि मुख्यमंत्री जी हरियाणा के अंदर जो 25 लाख बेरोजगार है उनको नौकरी दे, 5 लाख पद खाली पड़े हैं, सीईटी के लिए करीब 15 लाख बालक तैयार बैठे हैं लेकिन उनका एग्जाम नहीं हो रहा, हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आया उल्टा फिर कोर्ट में मामला लज गया, टीचर की वैकेंसी है वेन्यू की पड़ी है, 50,000 टीचर की वैकेंसी खाली पड़ी हैं, स्वास्थ्य सेवा उनमें वैकेंसी खाली पड़ी हैं, अलग अलग जगह ठेके ला रखे हैं, कच्चे ला रखे हैं, उनमें पक्के नहीं करते। तो बहुत से साथियों के आए कि भाई ये भी हमारी आवाज़ उठाना, आज पैरालंपिक के खिलाड़ी थे, भीम अवार्डी तक हैं, उनको नौकरी तक नहीं है। जब बेरोजगारी का मामला आता है तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है जो नशे का मामला, बेरोजगारी है तो बेरोजगारी की वजह से नशा है, तो उस नशे के लिए, नशे के खिलाफ, ताकि क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ कुछ दिन पहले अभी तो शराब के भी एडवर्टाइजमेंट होने लग गए, शराब के भी प्रचार होने लग गए, दारू के प्रचार हो, दूध के करते हो ना सरकार, दूध के प्रचार नहीं करती। तो नशा एक बहुत बड़ा एक इशू है नौजवानों के लिए हरियाणा में, खासकर जो बेरोजगार हैं खासकर उनके लिए और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब नशा करें तो फिर क्राइम है, आप लोगों को पता है कि जब एमएलए ने भी ना बख्शते हैं, एमएलए को धमकी मिल रही हैं, तो एक आम इंसान की के औकात रह जाए, आम इंसान का केस होता रही, एमएलए ने तो मिल जाएंगे AK-47 के सिक्योरिटी गार्ड, आम लोगों के लिए की है।
पुलिस के पास जाते हैं, भाई वैकेंसी आदमी कम है, इनकी गलियां लगे रहे हैं, सरकार के अफसरा की गलियां, नेताओं की गलियां लगे रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी रहे है, तो आम आदमी की सिक्योरिटी थोड़ी करेंगे, वो एक आम इंसान है, वे धक्के खाए जा हैं क्राइम का, जिस तरह का रेट है आप लोगों ने देखा, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं आप सब लोगों को पता है। सरकार जब MLA हैं जो उनको धमकी मिली तो सरकार इस चीज़ पर बोलना शुरू है, नहीं तो उससे पहले सोचा ही नहीं था। तो जानते चाहे कोई MLA और चाहे आम आदमी हो, सबकी बराबर होनी चाहिए। फिर ये क्राइम का मामला हो गया, क्राइम जब हो है, झगड़ा हो है, लड़ाई झगड़े हो है, नशा करके लड़ाई झगड़े करें, भाईचारा खराब हो है, वो भी सरकार, ये एक जड़ है बेरोजगारी इन सारी चीज़ें। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले हैं HPSC में, वहाँ पर करोड़ों रुपये पकड़े गए। अभी जो फार्मेसी का मामला चला है वो तो कई सौ करोड़ का मामला है, और वो तो मुख्यमंत्री का खास आदमी है, अर्थात नहीं रहा, पकड़ा नहीं जा रहा, देखो गजब की बात, देखो वो किसी ने कुछ मान नहीं रहा, बाज रहा है, पकड़ रहा। जो आवाज ठानी है जिन लोगों ने, मैं तो उनको बताई दूंगा जिन्होंने इसका पूरा पर्दाफाश कराया है। तो हर कार्यालय में कहीं पे भी, कोई भी कार्यालय सरकारी कहीं पे बिना पैसे काम नहीं होता। तो इन सब चीजों के लिए भोलेनाथ से हम शिव शंकर से ये प्रार्थना करेंगे कि मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे ताकि इन चीजों पर सरकार काम कर सके। वो यही नहीं रुके, CM मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ उन्होंने विपक्षी दल के नेता भूपेंद्र सिंह को भी गंगा में डुबकी लगाने की नसीहत दी ताकि प्रदेश में लोगों की आवाज को वो विधानसभा में उठा सकें। विपक्ष वाला ने भी जाकर उड़ाए नाक आना चाहिए, कावड़ ना लिया तो नाक जरूर आना चाहिए ताकि थोड़ी ही हिम्मत आवे, सरकार के खिलाफ आवाज उठावे। विपक्ष के नेता जिस तरह से सोए पड़े हैं, जिस तरह कबूतरी राणा आंख मीच रहे हैं ताकि जनता की आवाज ठा सकें, वे उनने भी कावड़ लेनी चाहिए। मैं तो भूपेंद्र हुड्डा साहब को भी ये कहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, कावड़ लाओ ना तो गंगा जी में जरूर ना गावें ताकि विपक्ष की आवाज ठा सकें। मैं तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब को ये कहूंगा, खट्टर साहब जितने पाप सरकार में हो लिए, जितने कर लिए, उड़े जाकर नहाओ, भोलेनाथ से माफी मांगे आओ, गंगा में नहाओ, और गंगा में नहाकर थोड़ी शक्ति मिल लगी, थोड़ा जनता के लिए काम करो, ये जो हमने काम बताए हैं ये जनता के काम हैं, इनको कर दो। अरे गंगा जी हर लिया कर, अरे वो भी तो सह नहीं भी तो उसके किसी ने गणे कर रखे, गंगा जी गोता भी मरवा दे, क्या प्रॉब्लम है, गंगा जी लपेट भी लेगी, ये उसके ये न्यू डरते ना जाते हो। अरे ये जब इतने बड़े धार्मिक बने हैं तो कावड़ लेनी चाहिए, दो चार मंत्रियों ने तो लेनी चाहिए, दो चार MLA ने इनके को ना, ये उसका ही इसलिए नहीं जाते हो, पाप गणे कर दिया, कदे जावर कदे गंगा में डूब जाओ, इन भी उसका। जय हिंद आज रोहतक में एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। जय हिंद ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बुद्धि पता नहीं किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से खफा है। पहरावर गांव की जमीन देने की बात तो की जा रही है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। बेरोजगार भी सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा। भ्रष्टाचारी लोग जनता के पैसे को डकार रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले को लेकर चुप हैं। नशा युवाओं को घेरने में लगा है, लेकिन मुख्यमंत्री आंख बंद किए बैठे हैं। वहीं प्रदेश के विधायक भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। इसीलिए मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि की जरूरत है ताकि मुख्यमंत्री प्रदेश के हित में काम करें। इसीलिए मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दिलाने के लिए इस कावड़ यात्रा की शुरुआत की जा रही है, और हरिद्वार से जो वो गंगा जल लेकर आएंगे उसे वो मुख्यमंत्री को तो भेंट करेंगे ही। वहीं पहरावर गांव की विवादित जमीन पर उसी जल से जलाभिषेक होगा और भगवान परशुराम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।